नमस्कार। आज हम ऐसा सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो आप लोग मजबूर हो जाएंगे ये चीज जानने के लिए। हमारा भारतवर्ष एक महान देश है, जिस देश में आज नहीं विगत कितनी सदियों से, कितनी डिकेड से चलते आ रहा है हमारा शिक्षा का योजना। फिर भी अनेक सरकार आते रहते हैं और जाते रहते हैं, परंतु उपस्थित सरकार शिक्षा के प्रति केवल जागरूक भी नहीं है, बढ़ावा भी दे रहा है। अनेक योजना, अनेक शिक्षा कल्याण योजना, मेधावृत्ति योजना, स्कॉलरशिप योजना के तहत में बच्चे लोग को बहुत प्रोत्साहन सरकार करते आ रही है, परंतु ऐसे एक विषय पर आज हम आपको रूबरू कराएंगे और आपके पास संदेश पहुंचाएंगे जो भारतवर्ष में 140 करोड़ आबादी में 28 राज्य और केंद्र शासित अंचल को लेके जो हमारा धरोहर भूखंड बना है, जिसका नाम है भारत, वो शहरांचल में अनेक एजुकेशनल हब है। एजुकेशन के लिए कोई कमियां नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, परंतु जिसे ग्रामीण इलाका में जो निखारते हुए बच्चे लोग की जो ज्ञान की गरिमा को पहचानने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए, वो आदर्श को अमल करके रूरल टैलेंट को आगे देश के लिए उछर करने के लिए ऐसा भी एक शिक्षा अनुष्ठान भारतवर्ष में हमारा है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू विद्यालय समिति, JNV, जिसके नाम है। ये सारी राज्य में मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं, सारा देश का प्रत्येक जिला में एक एक जवाहरलाल नेहरू विद्यालय समिति की विद्यालय, जिसको गरिमा के साथ वो शोभा पाता है आदर्श विद्यालय के नाम पे, जो केवल ग्रामीण इलाका का टैलेंट को चुन चुन के चुनिंदा बच्चा बच्ची को वो शिक्षा देता है, और वो शिक्षा की एक आदर्श शिक्षा नहीं है, एक मैच्योर शिक्षा होता है। आइए उस JNV के बारे में बात करेंगे, जो JNV जो जवाहरलाल नेहरू विद्यालय समिति, जिसको JNV करके हम लोग पुकारेंगे, जिसकी ग्रामीण इलाका का लिए, केवल ग्रामीण इलाका ने कहने से युक्तिजक्त नहीं होगा। आइए, शहरांचल भी इसमें शामिल होता है, रूरल भी इसमें शामिल होता है। इसमें आपकी कोई जाति, कोई धर्म, कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई रिलीजियस, कोई धर्म, कोई अमीर, कोई गरीब, इसमें तारतम्य नहीं रखता है। ये सब के लिए खुला मैदान है, खुला प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है। सभी लोग टैलेंट को वो 6th और 9th स्टैंडर्ड में एंट्रेंस करवाता है, और जो अभी आप लोग को पता होगा वेरी शॉर्टली 29 अप्रैल को जिसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुका है। हम बात कर रहे हैं JNV की, JNVST जवाहरलाल नेहरू विद्यालय समिति टेस्ट जो है वो 29 अप्रैल 2023 को ये कंप्लीट हो चुका है, ऑल इंडिया बेसिस में कंप्लीट है, जिसमें आप लोग को विदित होगा अराउंड 27 लाख एस्पिरेंट्स अपीयर किए हैं, रजिस्टर किए हैं 27 लाख अक्रॉस द कंट्री। ये जब संपन्न हुई, इसमें पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम था, आप लोग को विदित होगा, और ये विभिन्न प्रकार शहर में, शहरांचल में ये कंप्लीट हुई, ये सिलेक्शन टेस्ट था,
विद्यालय समिति की ये सिलेक्शन टेस्ट क्लास सिक्स एंड नाइन्थ के लिए जिसी पेन एंड पेपर में एग्जाम हुई थी एंड आपको विदित होगा इंग्लिश एंड हिंदी का अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में ये भी कहीं क्षेत्रों में भी हुई थी। आइए हम वो बात करेंगे जिसी को आज आप रूबरू कराएंगे कि जवाहरलाल नेहरू विद्यालय की अब एलिजिबिलिटी एग्जाम कट ऑफ डेट क्या है। आपको बता दें रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड लास्ट वीक ऑफ मे 2023 जिसमें पल ये रिजल्ट आने की संकेत दे रहा है। और आइए हम जेएनबी की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। जेएनबी कट ऑफ मार्क्स एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड जेएनबी हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 की जो क्लास सिक्स की कट ऑफ मार्क के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ मार्क्स आइए जनरल जो आपको अनरिजर्व है उन लोग के लिए आप 73% एक्सपेक्टेड है। ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 69% है कट ऑफ मार्क्स एंड शेड्यूल कास्ट के लिए आप लोग की कट ऑफ मार्क 63% है एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए कट ऑफ मार्क 58 मार्क्स है। ये आप लोग को कट ऑफ मार्क में बता रहा हूं 50 मार्क्स है एंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है हम बात कर लेंगे। रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो है हम बता देते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया मैं आप लोग को जेएनबी ईस्ट के बारे में मैं पल पल की आप लोग को खबर देते रहूंगा प्रोवाइडेड आप मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज ताकि कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेगा। मेरा यूट्यूब चैनल की जो नेम है द मैन ऑफ विजडम को आपने सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास पल पल की आते रहेगा। आइए हम क्लास सिक्स की जो रिजल्ट पब्लिश होगा और वो पब्लिश होने के बाद ये कट ऑफ मार्क है जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट होगा वो स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरिया के लिए रिजर्वेशन स्टूडेंट्स मैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बात कर देता हूँ। स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया हम आपको बार बार बताए हैं कि ये रूरल एरिया के लिए ही टैलेंट सर्च एक अभियान है और इसमें ही मैक्सिमम जाता है 75% रूरल कोटा में चला जाएगा। आप लोगों को जानकारी होने के लिए कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए एंड एससी एंड एसटी के लिए जो फ्रॉम नेशनल पॉलिसी एज पर नेशनल पॉलिसी के तहत में एससी एसटी लोग के लिए ये सीधा 15% जाए 15% आपको चला जाएगा एससी के लिए एंड आपको बता दें 7.5% जो आपको चला जाएगा एसटी के लिए ये आपकी क्राइटेरिया रहेगा एंड आपको हम बता दें ये मैक्सिमम एक्सटेंड अप टू 50% फॉर बोथ मैक्सिमम 50% फॉर बोथ
कोई भी डाउट होने से आप मुझे YouTube चैनल में मुझे कमेंट्स लिखिए, मैं आपको क्लारिफिकेशन करते रहूंगा। ओबीसी कोटा जो रहेगा वो 27% रहेगा एंड पीडब्ल्यूडी जो रहेगा, दो दिव्यांग बच्चे लोग रहेंगे उन लोग के लिए 3% रहेगा। और हम आपको यहाँ पे रूबरू कराना बहुत जरूर चाहते हैं। वन थर्ड सीट्स जो है सीट्स आर रिजर्व, फॉर गर्ल्स। देखिए हमने आपको ये रूबरू कराया और आपको ये भी कट ऑफ मार्क भी बोल दिया एंड आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया बता दिया। और आइए हम आपको रिजल्ट, हाउ टू डाउनलोड द रिजल्ट हम आपको बताएंगे। आइए, इसके बारे में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप अपनी आंसर की के साथ आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद देख लीजिए आपका परसेंटेज कितना आता है। ये कट ऑफ मार्क आया, कट ऑफ मार्क मतलब आपने इलिजिबल हो गया, उसके उपरांत में आपका जैसे जैसे मार्क आपका हायर साइड में रहेगा उसी हिसाब से आपका मेरिट रहेगा और आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो जेन भी है उसमें सीट के अनुसार आपकी सिलेक्शन होगा, क्योंकि वो जो सीट है वो आपका जिला के लिए है, इसलिए आपका जिला में जितनी सीट है उसी में ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट एंड रिजर्वेशन कोटा के तहत में और आप क्वालिफाइड मार्क के हिसाब से आप लोग वहां पे प्लेसमेंट हो गए। आइए, अगर आप मेरे को नेक्स्ट रिजल्ट कैसे जानना है, रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, रिजल्ट कब आना है और कैसे कॉलेज, मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैंने बहुत सारी ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ सब कितनी जेएन भी है जवाहरलाल नेहरू विद्यालय मैंने बताया है, उस चीज को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देने के बाद मेरा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे से रूबरू हो पाएंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग को शुभेच्छा देता हूं कि आप लोग कट ऑफ मार्क के साथ साथ हायर परसेंटेज जो एग्जामिनेशन हुई है जवाहरलाल नेहरू विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कंप्लीटेड जो हुई है 2023 में, ये आप लोग के लिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग की शुभकामना करता हूं, आप लोग अच्छा मार्क ला के उत्तीर्ण होंगे। और मेरा दूसरा संदेश के लिए आप इंतजार करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।